प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने मुझे यहाँ वेदी पर आकर खड़ा कर कर प्रभु के नाम की महिमा करने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता किया है, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। और ब्रदर जी को भी धन्यवाद करती हूँ जो यहाँ खड़ा होकर गवाही देने के लिए मुझे एक मौका दिया है, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। मैं डिवाइन चर्च में पहले मेरे सास के साथ कभी कभी बीच बीच में आती थी। मैं बलरसा से बिलोंग करती हूँ। मैं चर्च ऑफ गॉड कलीसिया पेंटिकॉस्टल में जाती हूँ। 22 साल से मैं विश्वासी हूँ, लेकिन 22 साल से भी प्रभु का अनुग्रह मुझे नहीं मिला था। ऐसे ही आना जाना, प्रभु की दया मेरे जीवन में कब होगी, प्रभु मेरे ऊपर कब दया करेगा करके मेरा आत्मा बहुत तड़पता था। फिर भी प्रभु की बात ना सुनते हुए मैं कभी कभी अपने इच्छाओं के तरफ जाती थी, लेकिन पिछले महीने में इधर डिवाइन चर्च में आने के बाद प्रभु का अनुग्रह अचानक कब उतर गया मेरे जीवन में मुझे नहीं पता चला, लेकिन पवित्र आत्मा अभी मुझे सिखा रहा है कि प्रभु का अनुग्रह मिलने के बाद हमारे सारे इच्छाओं के ऊपर प्रभु का अनुग्रह हमारे इच्छाओं के ऊपर ढक्कन लगा देता है। तभी है ना हमारे इच्छा हमारे मन यानी शुद्ध हो जाता है, तभी पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे अंदर उतर जाती है और हम सच्चाई के साथ जीने के लिए प्रभु सिखाता है हमें। गलत बातें बोलना, किसी को दोष लगाना, किसी को बुरी नज़र से नहीं देखना, ये सारे बातें पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से परमेश्वर ने मुझे ये डिवाइन चर्च में आने के बाद अनुग्रह के साथ बताने के लिए प्रभु ने इतना हिम्मत दिया है। 22 साल के बाद प्रभु का अनुग्रह अभी मिलकर मुझे सिर्फ एक महीना हुआ है। जब से मुझे ये सारे दुनियादारी संसार के लोगों को देखे तो ऐसा लगता है ये प्रभु इनके ऊपर जल्दी दया करे जैसे मेरे जीवन में प्रभु ने दया किया है। सभी को प्रभु बचा ले, प्रभु का आत्मा जैसे सभी के ऊपर तड़पता है, यानि शैतान उनके मन के ऊपर बुद्धि के ऊपर वो धूल मिट्टी जमा के रखा है, वो सारी मिट्टी को हटाने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करता है। उसी तरह पवित्र आत्मा सभी के जीवन में कार्य करे और प्रभु के मार्ग के अनुसार प्रभु हमारी इच्छा को दबाकर प्रभु की इच्छा को हमारे जीवन में उतरने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करता है। इसलिए प्रभु के नाम को बहुत ऐसे धन्यवाद देती हूँ। आने वाले दिनों में मेरी इच्छा नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो और मेरे जीवन के द्वारा प्रभु के नाम की बहुत ऐसे महिमा होने पाए। धन्यवाद करती हूँ।